डाकू जैसे लग रही हूँ। और अब मैं निकलती हूँ, बाय बाय। आप लोग भी जब यहाँ पर आओगे जानकी सेतु तो आप देखिए इन आंटी से जरूर लेना। हाँ, कितने का दे रहे हो आंटी आप? ताकि यहाँ पर वैसे कहीं भी जाओ ना, फैमिली के साथ जाओ तो उसका अलग ही मजा रहता है। हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मिस प्राची व्लॉग्स। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है संडे का दिन, तो मैंने सोचा है क्यों ना आज कहीं जाया जाए और संडे का दिन हो और आप लोग एंजॉय ना करो, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो आज मैं जा रही हूँ ऋषिकेश जानकी सेतु ब्रिज। आप लोग भी गए होंगे बट आप लोग आज मेरे साथ जाइए मेरे व्लॉग में और मेरे साथ बने रहिए और देखिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए। तो गाइस देखिए, फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। आजकल धूप बहुत है, अप्रैल लग चुका है, तो अपने को पूरा डाकू बना के जाएंगे हम। डाकू वाला स्टाइल नहीं होता है जो लड़कियों का। तो देखो ये मैंने स्कार्फ पहन लिया है आँखों को धूप से बचाने के लिए, चश्मा लगा लिया और ये देखिए मैं स्टाइल डाकू जैसे लग रही हूँ। और अब मैं निकलती हूँ, बाय बाय आप लोग मेरे ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और चलते हैं आप सीधे जानकी सेतु। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं अभी जानकी सेतु और आप देख सकते हैं, और ये यहां पर है आपका, ये यहां पर अब मैं एंट्री करूंगी यहां पे। तो आप देख रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे जो ये बीच वाली लेन है यहाँ पे पैदल चलने वालों के लिए है, और ये जो दो साइड है वहाँ पर आपकी टू व्हीलर के लिए है, यानी कि एक रास्ता आने वालों के लिए और एक जाने वालों के लिए। तो देखो मैं पैदल जा रही हूँ, तो मैं बीच वाली लेन में हेलो गाइस। तो आप लोग देख ही रहे होंगे, आप लोगों को पता चल गया होगा, वैसे भी आप लोग बहुत स्मार्ट हो। तो इस वक्त हूँ मैं जानकी सेतु। पिछली बार मैं गई थी रामझूला, और रामझूला जानकी सेतु के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 600 मीटर, और आज मैं आई हूँ जानकी सेतु। वैसे तो मैं ऋषिकेश आती रहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग ही बना लूँ। तो मैं आज आई हूँ जानकी सेतु, और आप लोग मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको आगे के सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाती हूँ। दोस्तों मैं अभी ले रही हूँ आंटी से दीपक और फूल वगैरह जो मैं गंगा माता को चढ़ाऊंगी, और आप लोग भी जब यहाँ पर आओगे जानकी सेतु तो आप देखिए इन आंटी से जरूर लेना। हाँ, कितने का दे रहे हो आंटी आप? 10 रुपये। 10 रुपये का दे रहे हैं, तो इनसे जरूर लेना। गाइस अब मैं डालूंगी मछली के दाने, जो कि मैं जब भी गंगा नदी के किनारे आती हूँ ना, तो ये जो मछली की आटे की गोलियाँ होती हैं ना, इन्हें मैं जरूर डालती हूँ। दोस्तों यूं ही नहीं इसे बोलते हैं देवभूमि। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे जो उत्तराखंड में कितने सारे स्थल हैं पर्यटक स्थल घूमने के लिए, और उन्हीं में से एक है जानकी सेतु। गाइस इस ब्रिज का निर्माण जो शुरू हुआ था वो फरवरी 2014 से शुरू हुआ था, और जो ये कंप्लीट मतलब पूरा बन चुका था 2020 में, ये मतलब यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था, इसका उद्घाटन हो चुका था। और जो ये जानकी सेतु ब्रिज है 48 करोड़ में जो इसका पुल का निर्माण का जो बजट था 48 करोड़ था। दोस्तों गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर जो टूरिस्ट वगैरह हैं उनका आना भी बहुत ही जोरों पर शुरू हो चुका है, क्योंकि पूरे इंडिया में उत्तराखंड को एक ऐसी जगह माना जाता है
जो धार्मिक स्थल के साथ साथ एक पर्यटक स्थल भी है, इसलिए यहाँ को वैसे भी देवभूमि देवताओं की भूमि कहा जाता है। और अब यहाँ पर यात्रियों का आना जाना शुरू हो चुका है। मैं आपको एक नज़ारा दिखाती हूँ। तो देखो ये नज़ारा, गंगा माता के दर्शन भी कर लिए और अपना नहा भी गए, और देखो ये पूरी फैमिली आई है और ये कितना एंजॉय कर रही है यहाँ पर। वैसे कहीं भी जाओ ना, फैमिली के साथ जाओ तो उसका अलग ही मजा रहता है। ये आपके सामने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इस चीज का। ये देखिए सब आए हैं यहाँ पर, टूरिस्ट वगैरह, कुछ लोग तो ऐसे, कुछ लोग बाहर अदर स्टेट से भी आए हैं। उत्तराखंड बाहर के लोगों को बहुत ही पसंद है, और हम लोग तो लकी हैं जो हम यहीं रहते हैं उत्तराखंड में। तो गाइस हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, अब तो चला भी नहीं जा रहा। और आज था जो ये मेरा ब्लॉग था, आज मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी, छोटा सा, क्योंकि मैं आई थी ऋषिकेश शॉपिंग करने, तो मैंने सोचा कि ना ब्लॉग ही बना लूँ। वैसे भी मैं ऋषिकेश शॉपिंग करने आती रहती हूँ, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना यहीं से जानकी सेतु, मैंने सोचा क्यों ना जानकी सेतु चली जाऊँ और एक ब्लॉग शूट कर लूँ। तो हो रही है बहुत गर्मी और अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ।